नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम राजस्थान बोर्ड की नई तथा पुरानी पाठ्य पुस्तकों में राजस्थान जीके का जो मैटर दिया गया है उसको कवर कर रहे थे। तो हमने जो टॉपिक चालू किया था वो था राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो ये वाला टॉपिक हमने राजस्थान बोर्ड की कई पुस्तकों से कवर किया है। तो इस क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा राजस्थान की, आपकी जो बुक चलती है कक्षा 8 की, उसमें जो राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी मैटर दिया गया है उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति वाला टॉपिक चालू करते हैं। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधिया कर ली थी। तो राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों से संधिया कब तक कर ली थी? 1818 ईस्वी तक कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। तो ये संधि के में ये शर्त रखी गई थी कि जो राज्यों में अगर आपसी विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगी? अंग्रेज जी की जो कंपनी सरकार है वही करेगी। नेक्स्ट है कि परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया था। तो इन्होंने जो कंपनी है उसने क्या है, अन्य मामलों में भी हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, जैसे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना और वहाँ की जो जनता है उसके हितों पर कुठाराघात करना, अन्य चीजों में हस्तक्षेप चालू कर दिया जिसके कारण लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण कौन कौन से रहे थे वो देखते हैं। पहला कारण तो क्या है, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। तो कंपनी है उसने क्या करना, राज्यों के जो आंतरिक शासन है उसमें हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे, जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार करना, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करना। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता को समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया था। तो ये कारण था कि जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। क्या कि अंग्रेज जो कंपनी है वो राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करने लगी थी। इसके कुछ उदाहरण दे रखे, जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया, मांगरोल के युद्ध हुआ था उसमें कोटा के महाराव की सहायता न करके किसकी, दीवान जालिम सिंह की मदद की थी अंग्रेजों ने, मेवाड़ में बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। दूसरा कारण क्या है 1857 की क्रांति का, कि राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर क्या हो गया, असंतोष। निसंतान राजा द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की थी। तो जो निसंतान राजा थे वो क्या करते थे, गोद लेते थे, तो उसके मामले में कंपनी ने और हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, तो जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी। ठीक है, तो ये सब कार्य किए थे। 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हुई। आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होगी। तो ये सब काम किए थे जिसके कारण कि जो अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। सामान्य लोग तो अंग्रेजों के विरुद्ध ही थे। ठीक है, अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म एवं जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। तो अंग्रेज अपनी धर्म नीति थोपना चाहते थे। ठीक है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में असंतोष था। नेक्स्ट हम देखते हैं, डूंग जी जवार जी एवं लोठू जाट
द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत प्रसन्नता का कारण बना था। तो डूंग जी जवाहर जी ये कहाँ के थे? सीकर के थे, लोटू जाट। इन्होंने क्या है, नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा, जिसके कारण आम जनता में बहुत प्रसन्नता का विषय बना था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूल करने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। तो अंग्रेज कंपनी है उसने राज्यों के साथ क्या, खिराज वसूलने के की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण, खिराज वसूलती थी कंपनी और क्या करती थी, राज्य का आर्थिक शोषण करने लगी। इसके अतिरिक्त राज्य में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। तो अंग्रेज बोलते थे कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, उसके नाम पर धन वसूला जाता था राज्यों से। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, तो मेरवाड़ा बटालियन ये याद रखना है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई, 1822 में, ठीक है। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, ब्रिगेड की स्थापना 1834 में। 1835 में जोधपुर लीजन का गठन। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई, तो ये तो याद रखना ही है, एक तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई, ठीक है, और दूसरा मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई। तो मेरवाड़ा बटालियन की कब हुई, 1822 में, और मेवाड़ भील कोर की हुई 1841 में, ठीक है। स्थापना कर इन कंपनी द्वारा सभी बटालियन के रख रखाव का खर्चा संबंधित राज्य से ही वसूला जाता था। तो अंग्रेजों ने इन बटालियनों की स्थापना तो कर दी और इनका जो खर्चा था वो उसी राज्य से ही वसूला जाता था, जिसके कारण भी असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है कि सामंतों की मनोदशा। 1818 की संधियों से के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। तो 1818 से पहले क्या है, सामंत शासक था ना, वो किस पर निर्भर रहता था, सामंतों पर। लेकिन जब 1818 की संधि हुई, उसके बाद सामंतों की पर जो शासकों की निर्भरता है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे। उनमें रोष बढ़ता गया। अहुआ, कोठारिया, सलुम्बर ठिकाने इसके उदाहरण है। तो अहुआ हो गया, कोठारिया, सलुम्बर, ये सब ठिकाने क्या है, इन सभी ठिकानों के सामंतों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का? भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले अपने मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये तात्कालिक कारण था कि क्या है कि जो राइफल है उसके कारतूसों में किसकी, सुअर तथा गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था और उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रांति का प्रारंभ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से, और कब हुई थी, 10 मई 1857। अगर राजस्थान पूछ लिया जाए तो राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुई थी, वो हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से, नसीराबाद से, और कब हुई, 28 मई 1857 में हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि राजस्थान में तो कब चालू हुई थी, 28 मई 1857, जबकि पूरे इंडिया में कब हुई थी, 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ में चालू। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः, तो मेवाड़ में कौन था पॉलिटिकल एजेंट, तो मेवाड़ में था कौन, मेजर सावर्स, ठीक है। मारवाड़ में मैक मेसन और जयपुर में कौन, कर्नल ईडन, ये पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये भी याद रखने हैं, ये सभी राजस्थान के तात्कालिक एजीजी। तो उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी या एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियां थी 6, कौन कौन सी, नसीराबाद, नीमच, ठीक है,
एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन कौन सी? एक तो होगी नसीराबाद, दूसरी नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय। तो इनके मुख्यालय भी देख लेते हैं, नसीराबाद का अजमेर, ठीक है। नीमच का कहाँ था? ग्वालियर में था मुख्यालय। एरिनपुरा का मुख्यालय पाली में था। देवली का मुख्यालय कहाँ था? टोंक में। ब्यावर का अजमेर में और खेरवाड़ा का उदयपुर में। तो नीमच का कहाँ था? ग्वालियर में। ये याद रखना है थोड़ा, बाकी तो याद हो ही जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी रेजिमेंट थी, ये भी दिया गया है। तो ये इतना याद करने की ऐसे जरूरत है नहीं खास, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सैनिक छावनियों में 5,000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था, ठीक है। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। तो ये सैनिक छावनियां थी ना, वहां पर केवल क्या है, भारतीय सैनिक ही थे, कोई यूरोपियन सैनिक नहीं था, ठीक है। तो उन पर नियंत्रण रखना थोड़ा मुश्किल था। तो 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। तो माउंट आबू में जो एजीजी रहता था, तो उसको सूचना कब मिली? मेरठ में विद्रोह हो गया है, उसकी सूचना मिली 19 मई 1857 को। तो फिर उसने क्या किया, उसने सभी राजाओं को ये निर्देश दिया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। तो उसने सोचा कि राजस्थान में विद्रोह न फैल जाए, तो उन्होंने उसने क्या किया, राजाओं को बुलाया और कहा कि अपने अपने राज्य में क्या बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। नेक्स्ट देखते हैं नसीराबाद में विद्रोह। तो नसीराबाद में, तो राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। को नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया था। तो नसीराबाद में क्या है, सैनिकों ने किस पर अधिकार कर लिया? तोपखाने की तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोटिसवुड और न्यू बारी की हत्या कर दी गई। तो मेजर स्पोटिसवुड और न्यू बारी, ये इनकी हत्या कहाँ की गई? नसीराबाद छावनी में की गई। और तथा सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो इसमें ये याद रखना है मैन कि मेजर स्पोटिसवुड और न्यू बारी की हत्या कहाँ, किस किस कहाँ पे हुई, कौन सी सैनिक छावनी में? वह है नसीराबाद सैनिक छावनी में। और सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ राजस्थान में? नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 में। नेक्स्ट हम देखते हैं नीमच। नीमच में विद्रोह कब हुआ? नसीराबाद में तो हुआ 28 मई, और जबकि नीमच में हुआ 3 जून। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया, ठीक है। तो अपने ये नीमच छावनी में जो विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली बेग। कौन थे? मोहम्मद अली बेग थे, ठीक है। तो नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। फिर क्या किया उन्होंने, विद्रोहकारियों ने क्या किया, शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। तो मैकडोनाल्ड था, उसने क्या किया, प्रयास तो किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा मैं अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। तो नीमच के जो सैनिक थे ना, वो कहाँ पे पहुंचे? शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों की रसद आपूर्ति की। शाहपुरा के जागीरदार थे, उन्होंने विद्रोही जो सैनिक आए थे क्रांतिकारी, उनका क्या दिया, साथ दिया। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्ष ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने हेतु भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा, ठीक है। तो अपन को पता है कि ये ना, ये सावर्ष क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। उसने क्या, मेवाड़ से पलटन को भेजा ताकि क्रांतिकारियों को वहां से हटाया जा सके, ठीक है। स्वयं स्वयं कहाँ पहुंचा? नीमच की ओर पहुंचा। सावर्ष ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो उसने नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था सावर्ष ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं एरिनपुरा में विद्रोह, ठीक है। तो वहां पे हुआ नसीराबाद में 28 मई को, जो हुआ नीमच में 3 जून को, एरिनपुरा में हुआ 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। तो जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो जो एरिनपुरा में जो विद्रोह कहाँ हुआ था, वो हुआ था जोधपुर लीजियन थी ना, जोधपुर लीजियन उसमें हुआ था, ठीक है। तो उसके विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, ठीक है। तो एरिनपुरा में विद्रोह के प्रमुख नेता थे मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। ठीक
इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। वे क्रांति के नेताओं के अनुसार चलो दिल्ली और मारो फिरंगी नारा, ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी नारा कहाँ लगा था, कौन से छावनी में, वो लगा था एरिनपुरा छावनी में, ठीक है। चलो दिल्ली और मारो फिरंगी नारा एरिनपुरा छावनी में लगा, लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिले और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गए, ठीक है। तो आहुआ के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह आहुआ, वो अपने किन से मिले, सैनिकों से मिले और उनको अपने साथ कहाँ ले गए, आहुआ। तो एरिनपुरा के जो सैनिकों है उनका साथ किसने दिया था, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने दिया था। एरिनपुरा के सैनिकों का साथ दिया था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। नेक्स्ट हम देखते हैं आहुआ में विद्रोह, आहुआ में विद्रोह के बारे में देखते हैं। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। आहुआ अशोक आलनियावास लांबिया गुलर रुडावास परगनों के सैनिक ने 8 सितंबर 1857 को बिछोड़ा मैं कैप्टन हेइथकोट तथा जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो जोधपुर और जो अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था, वो थे ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ ने। तो इनके बीच युद्ध कब हुआ, ये युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ठीक है। तो युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, कहाँ हुआ था, बिथोड़ा, बिथोड़ा नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ ने अंग्रेज तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो ये युद्ध में तो ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए। तो इस युद्ध की सूचना किसे प्राप्त हुई, वो प्राप्त हुई जो AGG था ना उसको प्राप्त हुई। तो वो 18 सितंबर 1857 को क्या किया, वो खुद सेना लेकर के वापस युद्ध करने आ गया। तो कब, 18 सितंबर 1857 को AGG था, ठीक है, वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो खुद सेना लेकर के क्या आ गया, युद्ध करने आ गया। तो क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। तो कब हुआ, तो ये भी पूछा जाता है कि चेलावास का युद्ध कब हुआ, 18 सितंबर 1857, और बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857, ठीक है। तो जो AGG था वो कब आया सेना लेके, वो आया 18 सितंबर 1857 को आ गया, ठीक है। और उनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ, वो हुआ चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध में क्या हुआ, पॉलिटिकल एजेंट जो मैक मैसन था ना वो क्या हुआ, मारा गया। और इस मैक मैसन का सिर काट करके कहाँ लटकाया गया, आहुआ के किले पे लटकाया गया। तो इस युद्ध में मैक मैसन का सिर काट कर आहुआ के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेड, तो ये दो युद्ध तो कौन जीत गया, ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ। बाद में क्या है, ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जनवरी 1858 में सेना आई और उसने आहुआ के आक्रमण आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं। तो आहुआ के जो क्रांति है उसके गीत लोकगीतों में गाए जाते हैं, ठीक है। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांगियो एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो, ये गीत गाया जाता है लोकगीतों में। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटा में विद्रोह, कोटा में 1857 का विद्रोह के बारे में देखते हैं। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी, ठीक है। तो कोटा में क्रांति कब चालू हुई थी, 15 अक्टूबर 1857, नसीराबाद में 28 मई, नीमच में 3 जून, ठीक है, और उधर एरिनपुरा में 21 अगस्त को, ठीक है। और जो कोटा में जो विद्रोह चालू हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, तो 15 अक्टूबर 1857 को कौन है, लाला जयदयाल व मेहराब खां, ठीक है। ये कहाँ, दोनों कहाँ के नेता थे, ये थे कोटा में 1857 की क्रांति के नेता थे। राजस्थान में सबसे सुनियोजित एवं सुनियंत्रित क्रांति कहाँ हुई थी, कोटा में हुई थी। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। तो सैनिक थे उन्होंने किसके, कैप्टन बर्टन, कौन था, कैप्टन बर्टन, वो कोटा में था, उसका सिर काट करके पूरे शहर में घुमाया था। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। तो कोटा में जो महाराव थे राम सिंह सेकंड, उनको क्या, कोटा के दुर्ग में कैद कर लिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। तो क्रांतिकारियों को शरण देने का मेन काम कहाँ किया जाता था, बनेड़ा कोठारिया, यहाँ ये क्या थे, क्रांतिकारियों के शरण स्थल।
यहाँ के जागीरदार क्रांतिकारियों को क्या देते थे? शरण देते थे। नेक्स्ट है क्रांति का समापन। तो जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर क्या कर लिया? अपना नियंत्रण वापस स्थापित कर लिया। तात्या टोपे कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कोटा के जो क्रांतिकारी थे जयदयाल तथा मेहराब खां, उनको भी फांसी दे दी गई। तो 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, ठीक है, अब अपन देखते हैं 1857 की क्रांति है उसकी असफलता के क्या क्या कारण रहे, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार थोड़ा। तो असफलता के कारण क्या थे मैन, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1857 का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कौन कौन से कारण थे जिससे सफलता में नहीं मिली? अधिकांश राजा महाराजा द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग प्रदान किया गया, ठीक है, राजा महाराजाओं ने किसको सहयोग दिया? अंग्रेजों को सहयोग दिया। नेक्स्ट है कि क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। क्रांति का समय तो कुछ और रखा गया था, लेकिन वो क्या हुआ, समय से पहले ही चालू हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। क्रांति वो है वो क्या, पूरे में नहीं होकर के सीमित स्थानों पर हुई। नेक्स्ट है कि कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। तो इन सभी जगहों पे विद्रोह क्या हुआ, अलग अलग टाइम हुआ, जिससे उसको दबाने का टाइम मिल गया अंग्रेजों को। नेक्स्ट है कि कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था क्रांति में। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का भी अभाव था। नेक्स्ट है कि मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया, ठीक है, तात्या टोपे को सहयोग भी प्रदान नहीं किया हुआ, इसके कारण क्रांति की असफल रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रांति के परिणाम क्या रहे। तो राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया, यही नहीं पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी चालू किया। तो अब राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो अंग्रेजों को अनेक प्रकार के पुरस्कार, उपाधियां और उनको अंग्रेजी शिक्षा देनी चालू की अंग्रेजों ने राजाओं को, ठीक है। नेक्स्ट है सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। तो राजाओं ने तो अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था, तो उनका अच्छा किया अंग्रेजों ने, और सामंतों ने अंग्रेजों का के विरुद्ध संघर्ष किया था। इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, क्रांति के बाद सामंतों की शक्ति को धीरे धीरे कम करते गए। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया, ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों को की भर्ती की जा सके। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात साधनों का विकास किया। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति भले ही उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जड़ों से हिला कर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी में भारत की आजादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। तो ये हमने राजस्थान बोर्ड की, हमारा राजस्थान की जो बुक है कक्षा 8 की, उसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ लिया है। तो इसी तरह